हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट टू पेपर सिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि यादव, एसपीसी कमेंट कॉलेज अजमेर, आपके पॉलिटिकल साइंस की सहायक आचार्य बोल रही हूँ। और जो हमारा ये सत्र है, यह 2021 का, यह बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अनोखा भी है। अनोखा इसलिए है क्योंकि गत वर्ष जो आप जब आप ऑनर्स वन की क्लास में थे, आपकी सभी कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर हुई थी और इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपने जो भी ज्ञान अर्जन किया उसके आधार पर आपको आगे की कक्षा में प्रमोट किया गया है। आपके लिए ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि जहां हमारे चारों तरफ इस महामारी के दौर में संकट था, वहीं आप और हम अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भी लगे हुए थे। आप सभी बच्चे घर में रहकर सुरक्षित वातावरण में जहाँ अध्यापन कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे, वहीं हम शिक्षक समुदाय आप लोगों के लिए अनेक विधाओं के द्वारा आपके सिलेबस को सुविचारित तरीके से या कहें संक्षिप्त रूप में, ताकि आपकी सारी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो जाए, आप लोगों के पास भी सब कुछ स्टडी कंटेंट भी पहुंच जाए। और निरंतर हम आप लोगों से जुड़े हुए थे। आप सभी छात्रों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। जो भी गतिविधियां हमारी ऑनलाइन माध्यम से हुई, आप सभी लोग उनके में आप हमारे साथ में जुड़े रहे। और जब कभी हमें आपको किन्हीं कारणों से जो भी आदेश दिए, तत्परता से दिए और कुछ जल्दी से करने के लिए जब भी असाइनमेंट्स दिए, आपने उन सभी असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से तन्मयता से पूरा भी किया। इसके लिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद भी मैं ज्ञापित करती हूँ। जैसा कि बच्चे आप सभी लोग अभी तक जान चुके हैं कि ये जो महामारी काल है, आने वाले समय में इसके क्या स्थिति होगी, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। तो हमको अपने मस्तिष्क में इस विचार को अच्छे से बैठा लेना चाहिए कि हमको अपने अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि जब समय नहीं रुक रहा है तो हमें भी अपने आप को रोकना नहीं है, हमें भी इसके साथ में निरंतर कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। जुलाई माह में आपकी नियमित कक्षाएं आज 10 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो रही है। हम सभी व्याख्यातागण राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से आपकी सभी की कक्षाएं नियमित रूप से लेंगे। आज की कक्षा में हम यह प्रयास करेंगे कि आपको आपके सिलेबस और पेपर के बारे में यथोचित जानकारी दें। आपका जो ये पेपर है, जैसे ऑनर्स की क्लास में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, या हम इस पेपर को अनेक नामों से देख सकते हैं। हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान समाहित हैं वो आपका सिलेबस है। शॉर्ट रूप में अगर मैं आपको समझाऊँ तो बड़ी क्लासेस में यही पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस पेपर में हम भारतीय संविधान किस प्रकार बना है, उसके वो बनाने में किस प्रकार की प्रणाली को, व्यवस्था को अपनाया गया था, इस समस्त कार्यप्रणाली को या जो अपनाया गया था संविधान के निर्माण के समय, उसमें क्या क्या परेशानियां आई थी, या उनको बनाने में हमको कि क्या क्या हमारे लिए सोर्सेस थे। तो आप जो आपका शुरुआती जो टॉपिक होंगे वो यही होंगे कि भारतीय संविधान जब बना उसको बनाने से पहले ऐसे कौन से अधिनियम पारित हुए थे, वो आपके इस सिलेबस के अंदर यूनिट वन के अंदर बताए गए हैं। मैं विस्तृत रूप में आपको सिलेबस आगे की क्लास के अंदर यहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगी। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान
निर्मातृ सभा ने संविधान निर्माण करने से पहले जिन अधिनियम जो हमारे 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या हम पूरे नेशनल मूवमेंट का जो हमारा प्रोसेस है वो उसके बारे के अंदर आप पे इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि हम अपने इस पेपर में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाले इस पेपर में शुरुआती दौर में 1909, 1919, 1935 के अधिनियम के बारे में आप लोगों का सिलेबस है। लेकिन जो हमारा मूल प्रारूप है, जो मूल हमारा स्तंभ है वो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान, अगर हम विभिन्न प्रावधानों की मैं आपसे चर्चा करूँ तो हम देखेंगे कि सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएँ क्या थी, भारतीय संविधान के स्रोत बनाने से उनके सोर्सेस क्या थे, या फिर हम तीसरी बात में जब आते हैं कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है या जो जिस्ट के अंदर हम या शॉर्ट रूप के अंदर अगर भारतीय संविधान को समझें तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी कि भारतीय संविधान का मूल बेसिस या मूल आधार क्या है, हम इस तरह से इसको देखेंगे। आगे आगे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, जो संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो चर्चा हुई है वो हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। और क्लास में हम कोशिश भी यही करेंगे कि PDF के रूप में हम आपको इंग्लिश के अंदर नोट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको PDF सेंड करेंगे, साथ ही साथ में जो क्लास में हम पढ़ाएंगे, ताकि आपको लिखित रूप के अंदर भी यह सामग्री उपलब्ध हो जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। एक क्लास में आप प्रमोट ऑलरेडी हो चुके हैं और सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाली परिस्थितियाँ हमारे लिए बहुत सकारात्मक होंगी और हम इस महामारी के दौर से निकल भी चुके होंगे। आप सभी बच्चों करीब करीब शायद वैक्सीनेशन के एक दौर से भी गुजर चुके होंगे और आने वाले समय में हमारी स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, हम ऐसा ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना। तो हम कोशिश पूरी ही करेंगे आप लोगों के साथ में कि आपको लेक्चर के साथ साथ इंग्लिश के अंदर कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करें, बुक्स के बारे के अंदर मैं आपको बहुत जब मैं अभी आपको सिलेबस करूँगी तो उसके अंदर लिखित रूप के अंदर ही आपको कौन सी इंग्लिश मीडियम की बुक्स होंगी, कौन से हिंदी मीडियम के बच्चों को किस प्रकार की किताबें, कौन कौन से राइटर्स की उपलब्ध होंगी, हम आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। और हम कोशिश यह भी करेंगे कि ये हमारे बीच जो वार्तालाप हो रहा है ये मात्र सिलेबस बेस्ड ही नहीं रहे और नहीं रहे, हम आप अगर मैं आपको विस्तृत रूप के अंदर कोई हम लोग कोई पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी ये जो पेपर है ये बहुत समसामयिक है या ऐसा पेपर है जो बहुत डायनेमिक्स लिए हुए, इसमें बहुत गत्यात्मक पेपर है, इसमें बहुत सी नई बातें जुड़ती रहती हैं, कुछ नई चर्चाएँ कुछ, है ना। तो ये साथ ही साथ ये भी होगा कि हम और ये आप लोग ये मैं तभी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी जब आप निरंतर रूप से ये क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से हम जो YouTube पर आपको उपलब्ध कराएंगे क्लासेस, आप इन पे को व्यूज़ दें, हमको लगेगा कि आप इनको पढ़ रहे हैं और रिटर्न उसके अंदर आप मैसेज के रूप में अंदर आप WhatsApp पे मेरे को मैसेज के माध्यम से भी यहाँ पे आप चाहेंगे तो आपको सूचना हम हमसे शेयर कर सकेंगे और PDF के रूप में आपको निरंतर रूप से आपको स्टडी मटीरियल मिलता रहेगा। तो आप सभी ऑनर्स 2 के विद्यार्थियों से हम यह आग्रह करेंगे कि आप निरंतर रूप से, क्योंकि लंबा समय हमारा छुट्टियों का बीत चुका है और हम सब भी इस अपने इस माहौल से अब परेशान हो चुके हैं और अपने एक एकेडमिक माहौल के अंदर वापस से जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं और हम आप लोगों से आमने सामने भले ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको एक अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया तो प्रारंभ करनी ही होगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि अभी YouTube के माध्यम से हम आपको आपके टॉपिक्स जो अभी शुरुआत के हैं वो आपको बताते रहते हैं, एक एक करके हम अपने टॉपिक्स आपको बताते रहेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे ये भी मैं आपको मंडे से नियमित रूप से बताती रहूँगी। तो हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार हम नियमित रूप से आपको वीडियो सेंड करेंगे जो आप नियमित रूप से देखते रहें। अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।